उस कैरेक्टर के लिए मैंने अपने मदर की बहुत सारी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट की। एंड जब मैंने अपने सीन्स भी देखे तो मुझे फर्क वो महसूस हुआ कि यही लाइंस, यही सीन्स अगर मैंने टीवी में किए होते तो बहुत डिफरेंटली किए होते। जिन जिन शोज में मैंने डबल रोल किए हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे चैलेंजिंग रहे हैं। तो रियल लाइफ में भी आई एम प्लेइंग द डबल रोल ऑफ अ मदर एंड अ फादर। आई थिंक चैलेंजिंग से ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि मेरे लिए इट वॉज लाइक मी प्लेइंग माई मदर एंड सीइंग माई सेल्फ इन रितिका, बिकॉज आई एम अ 90s किड। सो मुझे वो टाइम और वो लैंडलाइन और वो उस टाइम पे बच्चे कैसा फील करते थे, अपने पेरेंट्स को क्या बोल सकते थे क्या नहीं बोल सकते थे, वो सब चीज़ें जो थी वो इतनी हमने एक्चुअली एक्सपीरियंस की हैं कि इट वॉज जस्ट अ नॉस्टैल्जिक टाइम ऑन सेट्स ऑल्सो। एंड फॉर मी इवन उस कैरेक्टर के लिए मैंने अपने मदर की बहुत सारी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट की, जिस तरह से वो कुछ चीज़ें बोलती थी या कोई बातें हमें सुना देती थी या कुछ ऐसे करती थी। तो जब इवन हम जब सीरीज साथ में देख रहे थे तो कुछ कुछ डायलॉग्स सुन के वो बहुत हंसी थी कि ये तो मैंने बचपन में तुम्हें बहुत कहा है। तो मैंने कहा हाँ, इसीलिए मैंने ये ऐड किया है, ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं था। सो काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया है और मोर देन चैलेंजिंग इट वॉज फन। ऑफकोर्स इट इज़ रिफ्रेशिंग एंड ऑनेस्टली मेरे लिए अपनी परफॉर्मेंस को लेकर मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ा, मैं ये कहूँगी। और जब मैंने अपने आप को देखा भी तो मुझे खुद वो फ़र्क महसूस हुआ, बिकॉज हर मीडियम की अपनी एक डिमांड होती है। जैसे फिल्म्स जब आप देखें तो फिल्म्स लार्जर देन लाइफ है, तो आप उसमें हीरोज़ को और हीरोइंस को लार्जर देन लाइफ देखते हैं क्योंकि वो उस मीडियम की डिमांड है। सेम वैसे ही टीवी की डिमांड है ड्रामा, वो अप्स एंड डाउन्स, जो कि अगर नहीं हो तो देखने में मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन OTT एक बहुत ही अलग किस्म का प्लेटफॉर्म है जहाँ एकदम नेचुरल और रियल लाइफ वाली फीलिंग दे, जब आपको लगे कि आप सच में उस समय वहाँ मौजूद हैं, इतना रियल कुछ हो रहा है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट मीडियम एंड द परफॉर्मेंस पैटर्न इज़ वेरी डिफरेंट हियर। सो एक तरीके से इट वॉज एज गुड एज नॉट एक्टिंग। You don't have to act, you just have to be. And जब मैंने अपने scenes भी देखे तो मुझे फ़र्क वो महसूस हुआ कि यही lines, यही scenes अगर मैंने TV में किए होते तो बहुत differently किए होते। So for me, it was a great opportunity as an actor to showcase that, you know, I'm capable of doing this as well. And OTT, आई थिंक हर एक्टर करना भी इसलिए चाहता है क्योंकि यहाँ जिस किस्म का कॉन्टेंट बनता है तो आपको इतने डाइवर्स रोल्स करने का मौका मिलता है दैट पीपल रियली गेट समटाइम्स सरप्राइज दैट हमने इस एक्टर से ही उम्मीद ही नहीं की थी कि ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो भी देखने का मौका मिलता है। सो या दिस इज़ वन वेरी वेरी बिग बेनिफिट ऑफ OTT एंड आई कम्प्लीटली इन्जॉयड इट, दैट इट वॉज ट्रूली अ रिफ्रेशिंग चेंज टू एक्ट बट नॉट एक्ट। It was actually, as I said, that act but not act. So I had to unlearn acting only. I just had to be. It had to be so natural, and it feels nice to be able to do that and to be appreciated for it. I am so thankful to my viewers and to all the critics also. You know, all the journalists, all the critics who have written such wonderful reviews for not just the series but for my performance. It feels so good and it is so heartwarming to read that, okay, there was a certain expectation attached with my name and I've been able to live up to it. But it also gives more responsibility that now I have to work even harder to be able to, you know, deliver even better performance. So yeah, I am very, very grateful and happy with the way the show and my character is received by people. Juhi actually is in this particular manner very much like Neerja, because Juhi to वैसे ही one man army है. Juhi is a single parent. तो मेरे लिए ये scope नहीं है कि अगर Neerja bad cop है तो Sanjay good cop बन जाता था. यहाँ पर नीरजा भी मैं ही हूँ और संजय भी मैं ही हूँ, तो गुड कॉप भी मुझे ही बनना है, बैड कॉप भी मुझे ही बनना है। मुझे मेक श्योर करना है कि मेरा बच्चा जो है उसे मैं सही मॉरल्स, सही वैल्यूज़, सही प्रिंसिपल्स दे सकूँ। तो अगर वो लाइन क्रॉस करती है तो मुझे जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्ट्रिक्ट होकर समझाना पड़ता है, लेकिन जब उसे स्पॉइल करना है, उसे पैम्पर करना है, तो वो भी मैं ही करती हूँ। तो मेरे लिए तो ये एक ऐसा बैलेंस है जो मुझे सारी ज़िंदगी निभाना है और मैं हैप्पीली निभा रही हूँ, क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स
पेरेंटहुड एक ऐसी ऐसा रोल है जो ईश्वर उसी को देता है जिसके लिए वो सोचता है कि वो निभा सकता है. एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी ज़िंदगी का. आप जो सारे रिश्ते अपनी ज़िंदगी में निभाते हो उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक इंसान को बड़ा करके सोसाइटी में दे रहे हैं जो कल को आने वाली जनरेशन फॉर्म करेगा और हमारे देश का, हमारे दुनिया का फ्यूचर है. सो आई टेक प्राइड इन दिस रोल ऑफ माइन एंड आई एम फाइन मेंटेनिंग द गुड कॉप बैड कॉप रोल. मैंने सीरियल्स में तो डबल रोल बहुत किए हैं, असल ज़िंदगी में भी कर रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है. अगर सीरियल में कर सकती हूँ तो असल ज़िंदगी में भी कर सकती हूँ. एंड आई एम हैप्पी प्लेइंग अ डबल रोल. जिन जिन शोज़ में मैंने डबल रोल किए हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे चैलेंजिंग रहे हैं. तो रियल लाइफ में भी आई एम प्लेइंग द डबल रोल ऑफ अ मदर एंड अ फादर. राइट. सी यहाँ ना काम करना डेफिनेटली अलग है, क्योंकि जैसा आपने ही कहा कि यहाँ एक लिमिटेड एपिसोड्स है और आपको पहले से प्रिपेयर्ड होके आना है. टीवी में आपके पास ये टाइम होता है कि आप अपना कैरेक्टर पकड़ते हैं, शुरू पकड़ते हैं 3-4-5 एपिसोड में जाकर, अपने को एक्टर्स के साथ धीरे धीरे केमिस्ट्री डेवलप होती है. लेकिन यहाँ वो स्कोप ही नहीं है. यहाँ जब तक आप केमिस्ट्री डेवलप करेंगे शो खत्म हो जाएगा. सो आपको पहले सीन से, पहले शॉट से वो केमिस्ट्री दिखानी है. सो इट इज़ चैलेंजिंग, लेकिन उसके लिए प्रेपरेशन होती है. हम लोग यहाँ वर्कशॉप्स करते हैं, हम लोग यहाँ रिहर्सल्स करते हैं, रीडिंग्स होती है. शूट के पहले हमने एक दिन कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें बहुत आना जाना और ये सब था, तो उसके लिए हमने रिहर्सल्स की थी ताकि एक बॉडी लैंग्वेज सेट हो जाए, घर से हम एकस्टम्ड हो जाएं. उतना टाइम नहीं था वरना यहाँ. सो आई थिंक यहाँ प्रेपरेशन इतनी होती है कि वो फिर आपके लिए शूटिंग डेज पे आसान कर देता है. और आपकी जो वो जो केमिस्ट्री बिल्ड होनी होती है ना, जहाँ आप एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हो, से आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हो, वो जो एक पीरियड होता है ना, वो आई थिंक इसीलिए किया जाता है OTT में जो वर्कशॉप्स करते हैं, ताकि हम एक्टर्स को एक्टर्स यूज टू हो जाएँ, यूनिट के साथ आपका एक कम्फर्ट बन जाए. और फिर वो पहले ही सीन से जब आप शूट करें, जो भी सीन शूट करें, वो केमिस्ट्री दिखे. और ये मेरी फैमिली का, आई रियली वुड वॉन्ट टू से दैट इट वॉज सच अ नाइस होमली एटमोस्फेयर. I am very happy that I have started my OTT journey with TVF and Sunshine. Because TVF, as everybody knows, they are the king of content and they make such brilliant shows. And Sunshine is such a fabulous production house. Seema and Sudhir, mera unke saath bahut purana equation or relation hai. I have a soft corner for Sunshine because Seema Sudhir used to direct the title tracks of Kum Kum. So we go back a long way. Hum ek dusre ko 15-18 saalon se jante hain and we have beautiful memories. Aur mera unke saath bahut hi acha working relation raha tha tab bhi. So मेरे लिए एक होमली एटमोसफेयर था पहले ही. एंड एवरीबडी फ्रॉम TVF, हमारे सेट पे जो हमारे डायरेक्टर थे मंदार, या हमारे क्रिएटिव थे विपुल जी, जो हमारे इवन कैमरामैन थे धर्मेंद्र जी, तो धीरेन्द्र जी, सो हमारे जो यूनिट के भी जो लोग थे ना, इवन जो हमारे असिस्टेंट्स थे, सब जो डायरेक्टर के असिस्टेंट्स थे, सबके साथ एक बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग बैठी हुई थी. तो हम लोग सेट पे भी हंसते थे, मजाक करते थे, और कई बार वो हंसी मजाक जो सेट पे करते थे वो सीन में इनकॉर्पोरेट किया जाता था. सो वो सीन बहुत सुंदर निकल के आता था. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो स्क्रिप्ट में नहीं लिखी गई थी, लेकिन वो शायद खाना खाते समय जब हमने बातें की तो वो हमने फिर सीन में इनकॉर्पोरेट किया. और यहाँ खाना भी जब वो लगाते थे तो पूरी यूनिट साथ में बैठ के खाती थी. इट वॉज नॉट कि एक्टर्स आर गोइंग बैक टू देयर वैन्स और अपने अपने रूम में खा रहे हैं. वी ऑल यूज टू बी टुगेदर. तो वो जो फैमिली यूनिट है ना, वो आई थिंक TVF और सनशाइन ने सेट पे माहौल वो उनकी तरफ से पहले से बनाया, तो वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री आपको हमारे एक्टर्स के बीच भी नज़र आई. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेट का माहौल कैसा होता है. और वो माहौल सिर्फ एक्टर नहीं बना सकता, वो माहौल पूरी यूनिट मिलके बनाती है. एक पूरी यूनिट होती है, उसका टीम वर्क होता है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आता है. सो दिस क्रेडिट गोज एंटायरली टू द डायरेक्शन टीम, द कैमरा टीम, प्रोडक्शन, एवरीबडी, द प्रोड्यूसर्स. द एंटायर सेट वॉज सच अ होम. यू वर कमिंग टू अवस्थी हाउस एवरी डे.